किसान भीर और राम राम सत श्रीकाल सारे किसान भरावान का ट्रैक्टर सैन के खेती टैक यूट्यूब चैनल से मोस्ट वेलकम है। तो मैं आशा करना भी मेरे सारे किसान भीर ठीक ठाक होणगे। तो किसान भीरों जो अपनी अज की वीडियो है, ये वीडियो जो गन्ना बढ़ने वाली मशीन होंगी है किसान भीरों देख सकते हो चलती पई है केन हार्वेस्टर जिन्हों आप कह दें, तो 3630 सुपर ट्रैक्टर है नाल। ये पूरा प्रोसैस यदी भी वीडियो दिखावे थानू तो पहले किसान भीरों तो चलता ही पाया काम। तो जो अपने इस मशीनरी पूरा प्रोजेक्ट है ये जो मालिक है ओनर है वो भाजी नाल थोड़ी गल कर लेंगे, तो अपने विचार दसनगे, तो अपना ना एरिया वगैरह ए टू जैड जानकारी देने यदि, तो आप शुरू कर लेंगे वीडियो। हाँ जी भाई, ठीक है जी। मैं जी गुरप्रताप सिंह, जिला गुरदासपुर, पिंड भैनी कसवाल, रंधावा कलोनी, डाकखाना जागोवाल बेट। तो जो सू मेन अड्डा पुराना शाला सूँ पता जी, लगभग तीसरा सीजन हो गया जी ये जी आप मशीन ली। सब तो पहला ये उत्ते थोड़ी जी गल जी करनी चाहना कि ये संबंध में जोड़ा ये गन्ना आप बीजने ये मुश्किल होंदिया ने, तो मशीनरी चलाने वास्ते तो जी होर गन्ने का नुकसान आप कहें कि गन्ने का नुकसान होंगे वो वास्ते जो बेस गन्ने की बिजाई वो जो सब तो वीडी जी वो डिपेंड करता बिजाई से कि जिसू जरा ट्रैक्टर जिथे अपना ट्रैक्टर की जिनी टायर की चढ़ाई है उन्नी ये टायर की चढ़ाई है मशीन दी, तो जिथे पर टायर आने ने ठानीवा होना चाहिए, तो जिथे ता गन्ना बैड बनया होना चाहिए उच्चा थान होना चाहिए, फिर जरा सही ढंग ना गन्ना वढ़ती है। गन्ना जरा थोड़े बहुत नुकसान करती है, सिर्फ इस करके करती है कि जो गन्ना जो आप वढ़ने तो मिट्टी नहीं चढ़ी होंगी वो ब्लेड में टक्कर नहीं मिलती अगले बने, तो वो जो ब्लेड में टक्कर नहीं मिलती गन्ना लम्मा पा दिता अगले बने, तो फिर टायर उत्तों की लंघ जाता तो वह रस कट दिता, तो वह करके जो डब्बा जन वो घटता है। इस करके जी सब तो जरूरी ये गल है कि इनू जरा बेस जरा बिजाई समय वो ट्रंच विधि जो सब तो वधिया ट्रंच की विधि जरा आप 4.5 फुट की बिजाई वो सारे करिए, तो फिर जरा यदा फायदा लै सकते हैं। दूसरी गल, अज तरीक हो गई है 20 अप्रैल, तो जो गन्ने बिजाई का किसान है ना उसनू एक बड़ी वड्डी चिंता है पूरे भारत में कि वो सारे जिन्नी फसल ने उन्हें सारे का मशीनी करना है, तो एक चीज़ है गन्ना जिदा कोई मशीन नहीं आई तो लेबर जी है ना वो मार्च अद मार्च के जी डावाडोल हो जाती है, तो जी एक होर जो मिल का तो किसान का जो गैप है कि मिल चाहती है कि अभी 5 महीने जो क्रसिंग सीजन रखिए, तो किसान चाहता है कि 15 मार्च तक मेला हो जाए मेरी लेबर ना चली जाए, वो करके जरा कुछ आप जो कई बार किसान फिर दुखी हो गन्ना फुट देता, कई 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 सीजन यहोजे होंगे ने कि 2-3 महीने मेला चल के बंद हो जाती है, फिर कई सीजन इन्ने आ जाते 6-7 महीने मेला चल जाती है, वो करके सिर्फ ये करके बैलेंस नहीं बन पाता क्योंकि यदा जरा बैलेंस ना बनने का कारण यही है कि जी मशीनरी का ना होना तो विश्वास, क्योंकि जो आप हजारा लखा एकड़ कणक बीजी है विश्वास है कि साढ़े हर थान मशीनरी खड़ी है, जो आप भुगम मारा साड़ी कणक वढ़ी जानी है झोना वढ़िया जाना उत्ते विश्वास है। ये गन्ने के उत्ते जी लेबर करके बड़ी वड्डी बेविश्वासी है, ये करके लेबर मशीनीकरण के लियाने वास्ते एक यही चीज़ है कि जी आप होर कंबाइन हार्वेस्टर ने उन्हां नाल आपां फसल जिहड़ा फसल दा वो आपां उतला फल लाउणा हुंदा, एक इहो जी फसल है जिहदा आपां मुढ वढ़ना, तो उहदे वास्ते जिहड़ा मुढ वढ़न वास्ते जे आपां उह मुढ नूं इक 2 इंच भी इधर हो जांदा तो वो 2-4 इंच उपरों वढ़िया जांदा, उहदे करके जिहड़ा थल्ले वजन वाला गन्ना वो थल्ले रह जांदा, उहदे करके किसान दा नुकसान हुंदा। इस करके इहनूं ट्रंच विधि दे 4.5 फुट ट्रंच विधि दे बीजना वो बहुत जरूरी है, फिर आपां भावें इहनूं अप्रैल च मई तक जिन्ना मर्जी मिला चलन ते जदों खेती दा मशीनरीकरण हो गया फिर आपां नूं विश्वास रहेगा, क्योंकि अज वेखो 20 अप्रैल हो गई है तो जिन्ना किसानों का अज तक कल या परसों मिल बंद होने वाली है, तो जिन्ना किसानों का नहीं गन्ना गया मशीनरी है जिन्हें लगभग 400-500 एकड़ जरा गन्ना उस लोग किसानों का सामता नहीं तो इन्ना गन्ना खड़ा रहना है। इस करके ये सानू दोवे हालातों के जरा कटाई करने वास्ते पहला बेस बना के चलना चाहिए, भावें गन्ना जरा मैनुअल कटाई करे लेबर को भावें मशीन को बुलाओ ट्रंच के उत्ते, तो जिस तरह एक दो होर कि जी मशीनरी है ये लंबाई जी है घट्टो घट 2 एकड़ की जी है इनू चाहिए है, छोटी लंबाई के जरा वो साडा भी नुकसान होंगे जो मशीन के मालिक ने तो किसान का भी नुकसान होंगे, क्योंकि जो एंड हों तो गन्ने कुछ जड़े ने टक्कर ना देने कारण लंबे पै जाते हैं, वो उत्ते भी नुकसान होंगे, है जिन्नी लंबाई होएगी तो उन्ना ही है वधिया, तो जिन्ना ट्रंच की विधि गन्ना लाएंगे तो वो उत्ते जरा होर भी जिन्हें हौली हौली जरा आने वाले समय के जड़िया जानकारियां होनगियां मैं ताडे चैनल के राही वो ज्यों ज्यों बिजाई फिर गन्ना वड्डा करना फिर मिट्टी चढ़ाउणी फिर उन्हें बनाई करनी वो सारी जानकारी आप दे राही साझी करते रहेंगे। ठीक है, तो अंकल एक मैनू थोड़ी गल दस्यो भी जिदा तुसीं इह दस्सदा जो भी प्रोजैक्ट है वो मैनू दस दिओ भी तुसीं इह प्रोजैक्ट है जिहड़ी दी क्या कोस्ट है पूरे दी, तो तुसीं किस हिसाब नाल जे किसे किसान वीर तुहाडे कोलों कटाई कराना चाहुंदा मशीन नाल तो क्या चार्ज करदे हो तो की हिसाब किताब दा पूरा दस दिओ जो भी प्रोसैस है। हाँ जी, मैं उही पहलां भी बेनती कीती कि जे अज तक इहदा जी बेस नहीं गा कोई भी
अजे तक जी बहुत सू भी महंगी पै रही है। तो जो किसान का आप कट रहे क्या उन्हें बहुत महंगा डबल पै लिया पै रहा है टमर है, क्योंकि दो दो चार चार कलाला छोटे खेत किसान ने बीजे ने उन्होंने ये नहीं पता वो थोड़े जड़े ने सियाड़ वो एक पासे कड़े ने दूसरे किसी पासे कड़े ने वो करके सू पिछे बैग जाके वढ़ना पैंदा डबल सू भी खर्चा डबल पै रहा है तो किसान भी डबल पै रहा है। जो यदि लंबाई के ट्रंच वाला गन्ना हो जाएगा तो फिर आप जी मैनुअल उदो अद्धा रेट भी जो लै लीए तो भी सू जरा मारा खाया। ठीक है अंकल, जो हम वैसे मौके से लेंदे पे हो रेट की रेट लै रहे हो? अभी तो हम जी लास्ट सीजन करके तो गन्ने का वजन बहुत घट गया, अभी 80 रुपये हम लै रहे हैं। 80 रुपये क्वांटल दे? जी लै रहे हैं। ठीक है ठीक है। तो बाकी सीजन जो चलता है शुरू उदो 50-60 रुपये जो अच्छा उदो 50-60 रुपये क्वांटल ही तो हूँ तुम लै रहे हो 80 रुपये क्वांटल। तो जी सामने ट्रोली है अंकल भरती पई है, ये कि माल आ जाता आईडी क्वांटल लगभग एक बार पट दी है जी। अच्छा 35 दो ने। ठीक है। अभी अपने पिंड गन्ना वडन गए तो उत्थे लैके नहीं आए क्योंकि थोड़े गन्ना थोड़ा ही इतने 5-6 ट्रालियां आए किसान का गन्ना रहा ही वडन वाला। ठीक है। इन्हें बहुत मजबूर किया मेरा गन्ना जरा खड़ा रह जाना इस करके फिर 21 लैके आए। ठीक है। तो जिदा 35 क्वांटल यह पूरी जी जी वी ट्रोली है ये दो ट्रैक्टर हो गए दो मगरी दे लिफ्ट वाली ट्रालियां हो गई पलटन वाली इनफील्डर हो गए ट्रैक्टर। ठीक है। इनफील्डर ए पूरा प्रोजेक्ट है मशीन इनफील्डर 5 ट्रालियां अच्छा पूरा 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मीनिंग 1.5 करोड़ रुपया ला के तुसी। ठीक है। तो वैसे जिन्हें 4 साल हो गया करते तीसरा सीजन तो जो 1.5 करोड़ है मेरे ख्याल पूरा तो नहीं होया होना अजे नहीं पैसे पूरे हुए ने पूरे हुए ना चलो अभी सोचते हैं कि अपना जो काम करना वास्ते वधिया चीज़ है। ठीक है। वैसे जरूरी नहीं कि अभी किसी के खेत में काम करिए करिए परमात्मा की कृपा होता। ठीक है ठीक है। फिर एक बार लोगों की मजबूरी देख के तो मैं ही जो आना पे गन्ना खड़ा रह रहा है। हाँ तुम सोचा भी किसी का नुकसान होना क्यों अभी उनके काम आई जी है ना फसल है कि जो आप हम जो कल मिल बंद हो जाती है ना खेत में खाली करना 50,000 रुपया खाली करने वास्ते लेबर लगेगी लेगी कि खाली नहीं करना जे कहना ना फ्री चुक लो ना ताब नहीं चुकना खाली करके बाहर सुटेगा तो जिसे सुटेगा दो चाहिए था कहने लीना ने बिल्कुल सही गल की चलाई है अगले का नुकसान ना हो जाए। आप अंकल खुद कितनी खेती कर दे 82 किले तो कमाद ला दे सारे। ठीक है। फिर उस करके ठीक है ठीक है अंकल विचार जो कि पूरा प्रोजेक्ट है ओनर है जेडे 1.5 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है किसान वीरो मुंह नाल कह दिंदा बंदा 1.5 करोड़ गिनना हो तो हां जी हां जी एक कांग्रेस की सरकार ही ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 40% ਸਬਸਿਡੀ ਦਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। 36 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਬਣਦੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹ ਵੀ 40 ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਲਿਓ ਪੈ ਗਿਆ। ਠੀਕ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉਤਰਾ ਤੇ ਉਦਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਆਸ ਅੰਕਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫੇਰ ਆ ਗਈ ਆ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੋ किसान वीरो अंकल मेनू भी गल सही लगी अंकल हुरा ने भी कहा भी बाकी गल्ला ठीक है भी सरकार कह तो दिंदियां तो बंदा चलो सरकार ने कहा सबसिडी मिल जाएगी जिन्हें किसी ने लैनी भी सोचता भी चलो यार इन्ना गवर्नमेंट हैगा इन्ना करके नहीं सबसिडी तो अपना देख लें पर जिसले बाद सबसिडी मिलती नहीं फिर किसान भी फस जाता जहाँ तो वह जिदा भाजी होर दस भी अं झल गए साढ़ा परमात्मा की कृपा भी इन्ना हैगा हिसाब किताब तो जे कोई ना हो माड़े बंदे का तो किसान भीरों डुब गया रोटी तो भी गया फिर सब कुछ बेच के तो इस करके थोड़ी पहले कोई भी जरा काम करना वो नॉलेज लै लो बाकी पता कर लो भी सरकार ही कहती पी है कि जा मिलती भी पई है कोई चीज हरियाणा दे विच 4 मशीनां जिहड़ियां ओह इस सीजन दे विच आईयां ओह सरकार ने 60% सबसिडी दित्ती ते दित्ती ओह तुहाडी मशीन घर पहुंचण तों पहलां ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ 40-40 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਪਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਈ ਆ 95 ਲੱਖ 95 ਲੱਖ ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ 40-40 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਪਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅੰਕਲ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਆ
ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜਾਓ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿੰਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ 2 3 ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਤਾ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੈ ਸਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਯਾਰ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰੁਲ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲ ਗਏ ਫਿਰ ਪਿਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਥਨੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਥਨੋਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਟਰ ਸਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸ਼ੂਗਰ ਲਿਮਟਿਡ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਤਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਲੇਬਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੰਡ ਤੋਂ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕੋਲ ਖੰਡ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦੇਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਥੋਨੋਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੋਨੋਲ ਵਾਲਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆਪਾਂ ਇਥੋਨੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਤੇ 10% ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘਟਾਈ ਜਾਏ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਬਾਈਉਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 5 ਹੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੋਟਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ 40 ਲੱਖ ਇੱਕ ਜਾਣੇ ਦੀ ਅਤੇ 4-5 ਜਾਂ 20-2 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਟੋਟਲ ਅਤੇ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 20-25 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਲੈਣੀ ਆ ਵੀ ਬਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਲਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੰਨਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਲਾਲ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ